गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखते हैं। और उसमें भी क्या चल रहा था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अपने चैप्टर क्या चल रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट चल रहे हैं, है ना। देखो अब उसमें एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें देखो मैंने आप लोगों को लैंथेनाइड पूरा करवा दिया है ना। लैंथेनाइड का जो भी था और उसके साथ साथ एक्टिनाइड्स की भी देखो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी है ना। लैंथेनाइड का तो कंप्लीट हो ही चुका है, उसके साथ साथ क्या है मैंने आप लोगों को जो एक्टिनाइड है उसकी भी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। हाँ तो देखो नॉर्मली क्या है, अब जो भी मतलब कुछ एक रह गया है जिनके जो मतलब एक्टिनाइड प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो लैंथेनाइड से जो अलग होती है, मतलब थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस पाया जाता है वो चीज़ है। कुछ एक जो नई चीज़ ऐड करी गई है वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि उनमें सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज़ कैसे होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात देखो आप लोगों को मतलब रियल में ऐसा है कि ढंग से पढ़ाई करनी है तो आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, है ना। खुद नोट्स बनाओ और खुद के नोट्सों से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि खुद के बनाए एक तो अपन खुद के उससे लिखे वो चीज़ और एक दूसरों के तरीके से लिखे तो खुद का लिखा हुआ ज़्यादा सही रहता है। तो आप लोग बुक से साथ में जो पढ़ाया जा रहा है उससे मैच करो, जो भी टॉपिक है उसको समझो, फिर उस कॉपी में राइट डाउन करा करो। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट देखो एक्टिनाइड है ना, देखो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, है ना। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। सबसे पहली बात एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट होती हैं। दूसरी चीज़ ये तीसरे वर्ग से स्टार्ट होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, तीसरे और चौथे वर्ग के बीच में आते हैं सीधे सीधे बात में कहूँ तो, जो कि क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मली क्या होता है कि जो थर्ड और फोर्थ वर्ग ग्रुप है उसके बीच में ये पाए जाते हैं वो लोग एलिमेंट। इस बात को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी क्या होती है, ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं जो अपन ने क्या पढ़ा उसमें पढ़ा लैंथेनाइड पढ़े, और सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं जो अपन अब पढ़ेंगे एक्टिनाइड, ठीक है। मतलब इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो टू वन एन एस टू। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे एन इक्वल्स टू क्या होता है, सेवन्थ होता है, दैट इज़ रिप्रेजेंट द पीरियडिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। क्लियर ये बात। ये भी रियल अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनके कंपाउंड वगैरह बहुत कम मात्रा में और उसमें पाए जाते हैं, मिट्टी के साथ पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, रियल अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। और मोस्टली क्या होता है, अपने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है।
क्या कहा, मोस्टली ये क्या होते हैं, अपने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के रूप में पाए जाते हैं और मिट्टी की सिलिका के साथ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि क्या होता है कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, है ना, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है ना, माइनस टू एफ में जाता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आते हैं नेक्स्ट वाली चीज, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है। दूसरी क्या होती है, इन्हें नोबल मेटल भी कहा जाता है, है ना, नॉर्मली बहुत रेयर नेचर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो थोरियम है ना, क्लियर की मेरी बात है। उसके बाद के मतलब मोस्ट ऑफ एक्टिनाइड क्या होते हैं, लगभग सभी एक्टिनाइड या मैं कहूँ तो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ये रेडियो एक्टिव नेचर शो करते हैं। क्लियर के इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है। मतलब इनका जो वो है, ये प्रकृति में पाए तो जाते हैं लेकिन बहुत ही कम क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्लियर क्या, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को कही, बात समझ में ही के बाद, ठीक है। अब देखो नॉर्मली एक्टिनाइड, इन्हें एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ जो एक्टिनाइड्स होते हैं, जो 14 एलिमेंट है एफ ब्लॉक के, वो क्या होते हैं, नॉर्मली एक्टिनियम के बाद में स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड कहा जाता है ना। एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, है ना, तो वो क्या होता है, n माइनस टू एफ 1 to 14, n माइनस 1d 0 to 1, है ना, और ns 2, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। n क्या है, यहाँ पर पीरियोडिक नंबर, समझ में, f क्या है, यहाँ पर पीरियोडिक नंबर, बात क्लियर इतनी, ठीक है, ये चीज़ है एक। तो दूसरी चीज़ देखो क्या है कि जैसे मैंने ये कहा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n माइनस टू एफ 1 to 14, n माइनस 1d 0 to 1, ns 2 होता है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे n क्या होता है, 7 होता है, 7 के बराबर होता है, तो n माइनस 2 को क्या लिखूँ मैं, 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, और 7s 2, ये क्या होता है, नॉर्मली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, n बराबर 7 होते हैं, ठीक है। टोटल ये कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। कैसे नेचर के होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल, है ना। प्रकृति में क्या पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, या मैं कहूँ जो भी होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनकी जो नेचर होती है, ये भी क्या कहलाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इनको और भी क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और क्या कहते हैं इन्हें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक होता है ना, जो डी ब्लॉक होता है उसके ग्रुप नंबर 3 से, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4 के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें हैं एक्टिनाइड के बारे में, ठीक है। द एलिमेंट विच आर जो क्या होते हैं, एक्टिनियम के बाद में आते हैं, एक्टिनाइड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n माइनस टू एफ 1 to 14 होता है, n माइनस 1d 0 to 1 ns 2 होता है, समझ में मेरी बात। n जो है ये 7th पीरियड के एलिमेंट है, चौथे और तीसरे ग्रुप के बीच में आते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में, सॉरी ट्रांजिशन मेटल जो ब्लॉक होता है, मतलब डी ब्लॉक, उसके तीसरे और चौथे वर्ग के बीच में
रखे जाते हैं, क्लियर ये वाली बात भी ठीक है। तो नॉर्मल से देखो एक तो ये चीज़ें हैं ठीक है, क्लियर क्या। अब उसके बाद में देखो क्या बच जाता है, जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे नॉर्मली क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे ये पाए किस में जाते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं, इनको कैसे प्राप्त करते हैं। देखो क्या होता है, ये अपने मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं और प्रकृति में मिनरल्स के रूप में ये क्या होते हैं, यूरेनाइट, जैसे कार्नोटाइट, पिच ब्लेंड, थोराइट, समझ में आ रही मेरी बात, मैनेजाइट, इन सबसे क्या होते हैं, इनको प्राप्त किया जाता है। क्लियर क्या मेरी ये बात भी ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या है, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़, ये क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं और 103 लोरेंसियम पर ख़त्म होते हैं। 103 लोरेंसियम का एटॉमिक नंबर है, उस पर ख़त्म होते हैं। मैंने क्या कहा, ये नॉर्मली क्या होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं ठीक है। अब देखो इनकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब डिस्कस करेंगे ठीक है। समझ में मेरी ये बात, देखो देखो नेक्स्ट लिखो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट्स। तो देखो पहले मैं सिंबल लिख रही हूँ, है ना, ऐसे लिखूँगी, पहले सिंबल लिखा है ना, फिर सॉरी पहले एटॉमिक नंबर लिखती हूँ, सिंबल फिर इनका नाम ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, समझ में आप लोगों को बात है ठीक है, वाली चीज़ है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अपन बाद में पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, मैंने क्या कहा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन बाद में पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है देखो ठीक है, थोड़े आधे उधर लिख देती हूँ, देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6, 97, 98, 99, 101, 102, 103, बात समझ में ठीक है। देखो इसका नाम क्या होता है, एक्टिनियम, इसका नाम क्या है, एक्टिनियम, इसका नाम क्या है, थोरियम ठीक है, क्या लिखा, एक्टिनियम थोरियम ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्टिनियम ठीक है, उसके बाद में प्रोटेक्टिनियम
ठीक है, उसके बाद में यूरेनियम, उसके बाद में नेपच्यूनियम, ठीक है, प्लूटोन, देखो क्या लिखा, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, उसके बाद में लिखा नेपच्यूनियम, NPTU, यू है ये ना, यू यू एन आई यू एम, ठीक है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, है ना, अमेरिकियम, क्यूरियम, सी क्यूरियम है ये, तो क्या सिंबल होएगा इसका, सी एम, है ना, सी यू आर, क्यूरियम, ठीक है, ये हो गया क्यूरियम, यू है ना ये, यू यू क्यूरियम, बर्केलियम, ठीक है, ये क्या हो गया, बर्केलियम, ये ई है ना, बर्केलियम, बी ई आर के ई एल आई यू एम, बर्केलियम, उसके बाद में कैलिफोर्नियम, ठीक है, सी एफ, कैलिफोर्नियम, उसके बाद में आइंस्टीनियम, है ना, उसके बाद में आइंस्टीनियम, फिर फर्मियम, फिर मेंडेलीवियम, उसके बाद में नोबेलियम, और उसके बाद में लोरेंसियम, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडेल, मैंडेलिनियम, नोबेलियम, और ये लोरेंसियम, ठीक है, क्लियर है चीज, ये क्या हो गए, इनके नाम हो गए, ठीक है, ये क्या है, लोरेंसियम है ना, लोरेंसियम, नोबेलियम, ठीक है, नाम वापस से बोल देती हूँ, देखो देखो, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, ठीक है, उसके बाद में यूरेनियम, उसके बाद में नेपच्यूनियम, उसके बाद में प्लूटोनियम, उसके बाद में अमेरिकियम, फिर क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, है ना, आइंस्टीनियम, फर्मियम, उसके बाद में नोबेलियम, ठीक है, उसके बाद में लोरेंसियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 89, देन 90, देन 91, देन 92 यूरेनियम, देन 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 अमेरिकियम, 96 क्यूरियम, ठीक है, 97 बर्केलियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 आइंस्टीनियम, 100 फर्मियम, 101 मेंडेलिनियम, 102 नोबेलियम, 103 लोरेंसियम, ठीक है, आई बात समझ में, इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है, समझ में इतनी चीज़, ठीक है, देखो ये तो चीज़ थी इनकी नाम की, है ना, अब देखो नाम के बाद में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है,
देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा जाता है तो थोड़ा लेंथ एंड से कुछ अलग प्रकार का होता है ना, अलग प्रकार का। वो इसका मतलब क्या है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे लिखूंगी। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये 89 है ना, 89 है ना, तो 86 किसका होता है, रेडोन का है ना। एक्टिनियम को देखो, एक्टिनियम इसका देखना, एक्टिनियम 89 कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, ठीक है, फिर 5s2। समझ में आ रही मेरी बात, 5s2 आ गया, ठीक है, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, ठीक है, 6p6, 6d है ना, 6d0, 5f14 नहीं होता ना यहाँ पे, 5f0, डी 6d में रहेगा, देखो 0d1, ठीक है, और 7s2, ठीक है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 10 12 18 28 30 36 46 46 और 4 60 62 68 78 है ना, 78 80 86 88 86 से 87 88 और 89 हो गया। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्टिनियम का। क्लियर के बाद ये एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो इतना तो है ही वैलेंस सेल कहलाती है, तो है ना, ये कैसी सेल है, वैलेंस सेल कहलाती है, बात समझ में आ रही। तो देखो क्या बच गया, रेडोन। 86 किसका एटॉमिक नंबर होता है, रेडोन का, इनर्ट गैस का, तो इसको रेडोन लिख दूँ, यहाँ पे लिखूँ 5f0 6d1 7s2। समझ में, इसके बेसिस पे अपन इसका क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो मैं लिखूँ Rn, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ 5f0 6d1 7s2, बताओ ऐसे ही लिखूँगी। दूसरे वाले का देखो, इसका लिखूँ Rn 5f1 6d1 7s2। तीसरे का देखो, Rn 5f2 6d1 7s2, ठीक है। इसका लिखो तो क्या लिखूँ, Rn 5f3 6d1 7s2। इसका देखो नेपच्यूनियम का, Rn 5f4 6d1 7s2। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Rn 5f, अभी डी का भी इलेक्ट्रॉन इसी में चला जाएगा, तो क्या लिखूँगी, 5 6d0 7s2। इसके बाद में देखो Rn मतलब रेडोन 5f6 6d0 7s2। उसके बाद देखो 5f7 6d0 7s2। उसके बाद में देखो Rn 5f7 6d1 7s2। समझ में आई क्या, इस तरीके से क्या लिखा है इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। इन कहाँ तक लिखा, बर्केलियम तक लिख दिया, क्लियर। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं जो कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम, नोबेलिनियम है ना, और लॉरेंसियम है, ये जो बच गए हैं, मैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इधर ही लिख रही हूँ। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। नहीं तो देखो मेरा क्वेश्चन ज़्यादा, मैं उधर भी लिख देती हूँ, देखो इधर देख लो, एक्टिनियम की तो ज़रूरत ही नहीं अब है ना, पता पड़ गया ये किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो रेडोन 5f, ठीक है। अब देखो 7 तो हैं, 8 और ये 9,
सिक्स डी जीरो सेवन एस टू, उसके बाद में वापस रेड ऑन फाइव एफ, देखो टेन सिक्स डी जीरो सेवन एस टू, उसके बाद में वापस रेड ऑन ग्यारह सिक्स डी जीरो सेवन एस टू, उसके बाद में ये फाइव एफ ट्वेल्व सिक्स डी जीरो सेवन एस टू, उसके बाद में वापस ये फाइव एफ थर्टीन सिक्स डी जीरो सेवन एस टू, है ना। उसके बाद में देखो रेड ऑन फाइव एफ फोर्टीन, है ना, सिक्स डी जीरो सेवन एस टू, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? ये आठ और नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाता है, क्लियर। लॉरेंसियम है ना, कहीं पर मिस्टेक हुई है, एक एक दो तीन चार पाँच फिर छः फिर सात बर्गेलियम, बर्गेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 97 एटॉमिक नंबर। ये उन्होंने क्या लिखा, क्यूरियम 96 है क्यूरियम। देखो थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है इसमें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह हैं, तो पंद्रह ही टू वन, उसके बाद में थ्री वन फोर वन फिर सिक्स फाइव वन नियन सिक्स प्लूटोनियम, नाइन्टी फोर मैंने प्लूटोनियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा। देखो ये प्लूटोनियम का देखना, देखो ये फोर फाइव तो ये हो गया, ये तो सिक्स होएगा ना, ये सिक्स ये सिक्स, फिर ऐसे तो ये सारे चेंज होएंगे। अब देखो ये सेवन, ठीक है, ये सेवन और वन है ना, अब आठ हो रही है नौ, ठीक है, ये आठ हो गया और ये नौ और ये जीरो, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा दस, फिर ये ग्यारह, फिर ये बारह, फिर ये तेरह और ये चौदह इधर ही आ जाएगा, ये चौदह और ये चौदह और ये वन। अब सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, समझ रही हैं आप लोगों को बात, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। अब देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट
ठीक है, देखो इसमें भी क्या होती है, तीन सेल होती है ना, इसमें भी क्या होती है, तीन सेल होती है, क्लियर मेरी बात है? ठीक है, तीन सेल होती है, और उन तीन सेल में कौन कौन सी सेल होती है, 5F होती है ना, 6D होती है और 7S होती है, क्लियर? क्या इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, और देखो एक्टिनाइड में अपन क्या पढ़ते, लेंथ एनाइड में अपन क्या पढ़ते थे, 4F, 5D और ये 6S, समझ में आ रही? ये क्या है, लेंथ एनाइड, ये क्या है, लेंथ एनाइड और ये एक्टिनाइड, ठीक है, लेंथ एनाइड और ये एक्टिनाइड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें भी तीन तीन सेल होती है, वही वैलेंस सेल, पैलेंटीमेट सेल और एंटी पैलेंटीमेट सेल, ऐसे तीन सेल होती हैं सब में, 5F जो है वो एंटी पैलेंटीमेट है, 6D पैलेंटीमेट है और 7S क्या है, वैलेंस सेल कहलाती है, बात समझ में आ रही? अब देखो वैसे तो तीनों में, दोनों में ये क्या होती है, अनकम्प्लीट होती है ना, ये भी क्या होती है, अनकम्प्लीट, और ये भी क्या होती है, अनकम्प्लीट, बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका और इसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, वो ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्लियर? कम एनर्जी गैप क्या होता है, 4F और 5D में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपन आसानी से रिमूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है, लेकिन जो यहाँ वाली सेल है, इनका जो एनर्जी गैप होता है ना, इनका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, +2 से लेके +7 तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, मैंने क्या कहा, ये +2 से लेके +7 तक है ना, मतलब +2 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन होगी, +3 होगी, +4 होगी, +5 होगी, +6 होगी और +7 होगी, ये क्या करते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या करते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, क्लियर? इतनी +2 से लेके +7 तक, मतलब ये 2 से लेके 7-7 इलेक्ट्रॉन तक अपने सेल में से रिमूव कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब इनका एनर्जी गैप कम हो, क्योंकि अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और नॉर्मल कंडीशन पर इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं करवाई जाती है, ठीक है, जिससे सिस्टम भी वंस अपॉन ए टाइम हो जाए। दूसरी चीज़ ये देखो कि ये स्टेबल नहीं है, पहली बात तो ये स्टेबल ही नहीं है, कैसे नेचर के हैं, ये रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, और रेडियो एक्टिव नेचर के होने के कारण क्या होता है, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, अपन इनको ना तो सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही क्या है, अब तक नॉर्मली जो भी है कि ये +2 से लेके +7 तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके ये क्या करते हैं, क्या कर लेंगे, या तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, मतलब जो इनर्ट गैस का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, समझ में आ रही मेरी बात, या फिर क्या होता है कि उसके नियरेस्ट है ना, और अपन जानते हैं मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाफ फिल्डेड वेकेंट एंड फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ रही मेरी बात, उसके आसपास या वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले तो ये स्टेबल अवस्था में पाए जाते हैं वो वाले आयन, ठीक है, और इसलिए ये क्या होते हैं, +2 से लेकर +7 तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या होती है, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मतलब इतनी सारी है वो लेंथ एनाइड शो नहीं करते हैं, क्योंकि लेंथ एनाइड तो +2 से लेकर +4 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, उनमें जो पैलेंटीमेट सेल, वैलेंस सेल और एंटी पैलेंटीमेट जो सेल होती है उनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मली क्या होता है, वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो अंदर वाले एंटी पैलेंटीमेट सेल है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होते हैं, क्लियर क्या, इसलिए ये जो है एक्टिनाइड तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि एक्टिनाइड इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है,
तो देखो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूरेनियम है ना, देखो मैं सोच रही हूँ मैं इनको एक ही सिद्ध में लिख दूँ एक बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, अमेरिकियम, क्यूरियम, ठीक है, बर्गेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, और ये मेंडेलिनियम, नोबेलियम और लोरेंसियम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे इनकी जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा, ये प्लस टू से लेके प्लस सेवन तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। देखो इधर जो थोरियम होता है, ठीक है, मैं थोरियम से बता रही हूँ, ये तो प्लस थ्री शो करेगा स्टेबल, है ना। ये देखो प्लस थ्री शो करेगा, प्लस फोर शो करेगा और प्लस फाइव शो करेगा, है ना। ये भी प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, है ना, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, सॉरी प्लस सिक्स, प्लस सेवन, समझ रहे हो। यूरेनियम क्या करेगा, प्लस सेवन तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, है ना। और नेपच्यूनियम भी, समझ में आ रही, नेपच्यूनियम और यूरेनियम दोनों ही क्या शो करेंगे। यूरेनियम की देखो, यूरेनियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है थोरियम की प्लस थ्री और प्लस फोर होती है, मोस्ट स्टेबल, है ना। देखो जरा इधर, जैसे यूरेनियम प्लस सिक्स तक, नेपच्यूनियम देखो प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन। अब जरूरी नहीं है सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैं लिख रही हूँ इस तरीके से, है ना, ये सारी की सारी स्टेबल ही हो, है ना, जरूरी नहीं है इसमें। कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लेस स्टेबल भी होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। अमेरिकियम जैसे प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव और ये प्लस सिक्स, प्लस थ्री, प्लस प्लस फोर, प्लस प्लस फाइव, प्लस थ्री, सॉरी प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, समझ में आई, ठीक है। बर्केलियम में क्या होती है, प्लस थ्री और प्लस फोर। कैलिफोर्निया में होती है प्लस टू और प्लस थ्री। प्लस टू और ये प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस फोर और ये प्लस थ्री, ठीक है। इस तरीके से ये प्लस थ्री शो करेगा, प्लस टू और प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस थ्री, ठीक है। कैलिफोर्नियम से प्लस टू प्लस थ्री, ये प्लस टू प्लस थ्री, देखो प्लस टू प्लस थ्री, प्लस टू प्लस थ्री और ये प्लस टू प्लस थ्री और ये प्लस थ्री, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से ये शो करेंगे। समझ में आ रही। अब कुछ एक लेस स्टेबल होती है और कुछ एक मोर स्टेबल होती है, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं ये नॉर्मली, देखो पहले तो क्या होती है इनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है ना। पहली बात तो क्या है कि जो इनकी साइज़ होती है ना एक्टिनेट्स की, ठीक है, साइज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है, समझे मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो इनका एनर्जी गैप होता है ना, जो सिक्स एफ सॉरी
फाइव एफ सिक्स डी और सेवन एस के बीच का है ना, क्या होता है वो एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस, वो क्या होता है बहुत कम होता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, बहुत कम होने के कारण नॉर्मली क्या है आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लियर ये चीज़ भी? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक कंप्लीट। समझ में? ठीक है, देखो समझना क्या है, इसको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत, जैसे आप लोगों को पता हो तो इस तरीके से अपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है क्या? आप देखो जो एक्टिनाइड्स होते हैं है ना, एक्टिनाइड्स जो होते हैं, अब उनमें अपन जो कॉम्प्लेक्स जो उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनते हैं है ना, वो टेंडेंसी कैसे होती है देखो, आप लोग सब जानते हो, जितनी ज़्यादा क्या होएगी उसका साइज कम होएगा, जितना ज़्यादा उस पर पॉजिटिव आवेश होएगा, या मैं कहूँ जितना ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, बोल तो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है इनकी वो क्या होती है, जिनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है उसका ऑर्डर क्या होता है, देखो क्या होता है M प्लस फोर होता है, एम ओ टू टू प्लस होता है, इज ग्रेटर देन एम सॉरी एम थ्री प्लस होता है, और फिर क्या होता है एम ओ टू प्लस। समझ में आ रही है? ठीक है, एम ओ टू प्लस ये क्या होता है इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का ऑर्डर होता है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब जैसे मैं कहूँ अगर कोई प्लस सेवन में है, कोई प्लस फोर सिक्स में है, प्लस फाइव में है, प्लस फोर में है, प्लस थ्री में है, और प्लस टू में है, बस समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, इस तरीके से अगर ऐसा होगा, अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो नॉर्मली क्या होगा, प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री और प्लस टू, इस तरीके से इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनमें जो लिगेंड होते हैं है ना, लिगेंड क्या होते हैं, ऑक्सो नेगेटिव आयनों का यूज़ करते हैं ये ज़्यादा। ठीक है, तो देखो जो लिगेंडों के रूप में यूज लिए जाते हैं यहाँ पे, जो लिगेंड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, सी ओ ओ माइनस हो सकता है, एन ओ थ्री माइनस हो सकता है, मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या हो सकता है, सी टू ओ फोर टू माइनस, मतलब ये आर है ना, आर सी ओ माइनस है, सी टू ओ फोर माइनस है, समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है, एन ओ टू माइनस है, एन ओ थ्री माइनस है, ये सारे लिगेंड क्या करते हैं अपन इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये बात भी क्लियर क्या? ठीक है, इतनी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, और बाकी चीज़ें तो आप पढ़ ही रखे हो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, देखो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के समान ही होता है ना, ये क्या होता है, लाइक एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात है? और इससे भी क्या होता है, सीरीज में एक्टिनाइड की जो साइज है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ये क्या कहलाता है, एक्टिनाइड टी भी है यहाँ पे ना, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है ना। अब क्या पढ़ोगे, केसेस ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना,
इसके बाद में कंसिक्वेंस ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और ये सब कैसे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के समान। ये सब कैसे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के समान, ठीक है। तो कुछ पढ़ने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, समझ में मेरी बात है, ठीक है। कुछ से नोट्स प्रिपेयर करोगे इस चीज़ में, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जैसा मैंने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बताया है वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, उसके कारण होता है, उसका जो भी कंसिक्वेंस निकलते हैं वो सब होते हैं, समझ में मेरी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इनका सेपरेशन नॉर्मली कैसे करें, ठीक है, सेपरेशन कैसे करें नॉर्मली इनका, देखो सेपरेशन वही आयन एक्सचेंज मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड इनसे किया जाता है, ठीक है। सेपरेशन और अकरेंस होती है ना, वो नॉर्मली अपन कैसे करते हैं, या तो क्या कर लेते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ कर लेते हैं, या नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह मेथड यूज़ करते हैं, क्लियर ये बात भी, ठीक है। अब देखो कंपेरेटिव स्टडी है ना, कंपेरिजन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स है ना, ये देख लेते हैं, कंपेरिजन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। देखो देखो कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है, क्या क्या इनमें कंपैरिजन होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखो कंपैरिजन क्या होती है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा आप लोग एग्ज़ाम में जो लिखो वो देखो उसको लैंग्वेज में लिखना है, ऐसे नहीं आप छोटा छोटा लिख दो। देखो एक साइड मैंने लेंथेनाइड लिख लिए, एक साइड मैंने एक्टिनाइड लिख लिए, ठीक है। नॉर्मली देखो कंपैरिजन की बात करें तो ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट, है ना, ये क्या होते हैं सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं, बात कीजिए क्या, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटीज तो क्या है, ये तीसरे और चौथे ग्रुप के बीच में पाए जाते हैं, मतलब तीसरे और चौथे ग्रुप के क्या होंगे मिड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनका पीरियड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक का तो होता है सिक्स पीरियड और एक का था सेवन्थ पीरियड। नेक्स्ट देखो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो यहाँ पे क्या होता है n बराबर सिक्स होता है और यहाँ पे n बराबर सेवन होता है, मतलब 4f 5d और 6s सेल होती हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या होती है 5f 6d और 7s सेल होती है, बात की जाए ये वाले ऑर्बिटल होते हैं ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो नॉर्मली क्या है कि इनमें जो 5d में इलेक्ट्रॉन है ना, 5d में इलेक्ट्रॉन सीरियम तक ही होता है, बोल तो सीरियम में अपन लिखते हैं 5d1, उसके बाद में डी में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है जब तक कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले लें, मतलब अगर हाफ फील्डेड फुली फील्डेड और वेकेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है, एफ सेल एफ सब सेल में, समझ में आ रही मेरी बात, तो ही क्या होता है डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, नहीं तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। लेकिन उसमें क्या है एटॉमिक नंबर 93 तक है ना, 93 94 तक डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किस में एक्टिनियम में, समझ में आ रही आप लोगों को बात, ठीक है। यूरेनियम सॉरी क्या बात करें अपन नेपच्यूनियम के, यूरेनियम नेपच्यूनियम के बाद में जो भी एलिमेंट आते हैं उनमें भी क्या होता है 6d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, समझ में ये बात। और वो क्यों भरे जाते हैं, क्योंकि देखो 4f और 5d होता है लेंथेनाइड का सेल, है ना, और 5f और 6d होता है एक्टिनाइड का। तो देखो लेंथेनाइड के 4f और 5d में तो क्या होता है एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, समझ में आ रही, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 5d में नहीं जाते हैं, लेकिन 5f और 6d का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है,
और बहुत कम एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन उछलकर एक सेल से दूसरे सेल बोले तो ट्रांजिशन शो करते हैं, आसानी से एक दूसरे सेल में आते जाते रहते हैं, मतलब 5F से 6D में और 6D से 5F में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ में ये वाली चीज़ भी ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ रही, जो लेंथेनाइड होते हैं वो लेंथेनम के बाद में स्टार्ट होते हैं और जो एक्टिनाइड होते हैं वो एक्टिनियम के बाद में स्टार्ट होते हैं। क्लियर ये वाली चीज़ भी ठीक है, समझ में मेरी बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो लेंथेनाइड है वो +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो भी एक्टिनाइड भी +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा जो लेंथेनाइड है वो +2 और +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि वो क्या करता है +2 +3 के अलावा +2 +4 +5 +6 +7 तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज ऑफ लो एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन 5F सेल एंड 6D सेल। ठीक है, जबकि लेंथेनाइड में क्या होता है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। समझ में, क्योंकि क्या होता है कि जो एक्टिनाइड में 5F सेल होती है ना, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 4F, क्योंकि देखो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एक ही का ही ज़्यादा है, किससे, लेंथेनाइड के 4F से। समझ में आ रही, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 4F। ठीक है, अगर देखो एक्सटेंशन ज़्यादा हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एकदम ही न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2F N-1D और NS पढ़ते हैं, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब उसके एकदम ही पास में रहेगा। अब देखो एक तो बात करें, मतलब 4F होता है तो एक तो 4F अंदर है, 4F के बाद में देखो क्या आ गया, 5S आ गया है ना, 5P आ गया, 5D आ गया, फिर 5F आया है, समझे, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस देखो रहेगा, ऐसा तो थोड़ी है कि एकदम ही न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेगा, समझ में आ रही, और इसी कारण तो जुड़ा रहेगा, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होता है वो 4F से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उनके एनर्जी गैप जो 5F और 6D में होता है वो बहुत कम होता है। बात ये भी समझ में आई क्या, ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्हें आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर निकाला जा सकता है, जबकि लेंथेनाइड में ऐसा नहीं होता, स्मॉल साइज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या होता है, उनका एक्सटेंशन भी नहीं होता है, इस कारण क्या होता है, ये कंपेरेटिवली +2 +3 और +4 ही बोलते हैं, या कम ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। ठीक है, अब बात करें जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, या +4 +5 +6 अदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी बात करें, है ना, देखो उनमें क्या होता है कि +3 लेंथेनाइड के समान एक्टिनाइड में भी क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पाई जाती है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसमें भी +3 होती है, लेकिन इसके अलावा और भी ऑक्सीडेशन जैसे +5 +6 +7 ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में ये वाली बात, ठीक है, देखो दूसरी चीज़, नेक्स्ट बात क्या होती है कि जो एक्टिनाइड है ना, लेंथेनाइडों की कंपेरिजन में क्या कर लेते हैं, ऑक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, है ना, एक्टिनाइड क्या करते हैं, ऑक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, ईजिली क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करते हैं, जैसे यूरेनियम मतलब UO2 2+ आयन बनते हैं, UO+ आयन बनता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, क्लियर, तो इस तरीके से क्या है, इनमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ पता काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, सिमिलरिटीज़ भी होती है और डिससिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं, क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है ना, दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, सेम तरीके का होता है ना, ऐसा नहीं होता है, और किस सूत्र से निकालते हैं अपन, G√JJ+1। ठीक है, दोनों का ही डाइपोल मोमेंट अपन कैसे निकालते हैं, G√JJ+1। बात समझ में आई क्या, दोनों का डाइपोल मोमेंट इस तरीके से निकालते हैं, ये ऑक्सो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ऑक्सो
आयन नहीं बनाते हैं, ठीक है, जबकि ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सो आयन का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सो आयन बना लेते हैं, जबकि ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। समझ में ये वाली बात भी, ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो ये इनमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज जैसे कंपेरिजन थी, है ना, कि क्या क्या पाया जाता है किस तरीके से। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो लैंथेनाइडों की कम होती है और एक्टिनाइडों की ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लिगेंड और इनऑर्गेनिक लिगेंड सबके साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि लैंथेनाइडों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, एक तो डोनर एटम इसमें ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, दूसरा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लैंथेनाइड उन ही लिगेंडों के साथ जुड़ते हैं, और ये मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, या तो नाइट्रोजन के लिगेंडों के साथ जुड़ते हैं या फिर ऑक्सीजन के लिगेंडों के साथ जुड़ते हैं, जबकि एक्टिनाइड में ऐसा नहीं है। एक्टिनाइड कार्बन जिनमें डोनर साइट होती है उनसे भी आसानी से जुड़ जाते हैं। समझ में ये जी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो लैंथेनाइडों के समान ही ये भी क्या करते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, जैसे प्लस सॉरी क्या 6, 7, 8, 9, 10, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, मतलब 6, 8, then 10, 14, समझ में आ रही है। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्टिनाइड द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, ठीक है, ये बात हो गई। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात अपन कर चुके हैं। अब देखो कलर प्रॉपर्टीज़ एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, देखो ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा, जैसा अपन ने लैंथेनाइड के लिए पढ़ा, ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशन के कारण या एफ डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एफ एफ ट्रांजिशन और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एफ डी ट्रांजिशन, ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशन के कारण या एफ डी ट्रांजिशन के कारण ये कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसलिए क्या, इनका जो भी कलर आएगा वो इस ट्रांजिशन के कारण आएगा, और अगर ये ट्रांजिशन कलर तो तभी आएगा ना जब ये ट्रांजिशन 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज में हो, ठीक है, अगर इस रेंज में होगी तो ये इजीली कलर शो करेगा, है ना, और अगर इस रेंज में नहीं होगी तो ये कलर शो नहीं करेगा। एफ डी ट्रांजिशन ज़्यादा फेवरेबल होती है ना, एज कम्पेयर टू एफ एफ ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ सलेक्शन रूल, है ना, सलेक्शन रूल के कारण क्या होता है, ये फेवरेबल और नीचे वाली फेवरेबल और ऊपर वाली अनफेवरेबल होती है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर चुके हैं अपन, ठीक है, समझ में आई बात है, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक। अब देखो जो आप लोगों के टॉपिक बचता है ना, अब जो टॉपिक बचता है इसमें वो है सुपर हैवी एलिमेंट्स, ठीक है, एक्टिनाइड तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, जो भी और कुछ बचता है तो जैसे आएगा वैसे जो सिलेबस में था वो मैं करा चुके हूँ, ठीक है, इसके नोट्स आप लोग खुद प्रिपेयर करोगे। देखो नोट्स तो सारे बनाने हैं आप लोगों को, अगर नोट्स से पढ़ना है तो नहीं तो बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। अब देखो सुपर हैवी एलिमेंट्स, देखो सुपर हैवी एलिमेंट्स, सुपर हैवी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एक तो वो सबसे पहली बात तो ये कि सुपर हैवी एलिमेंट होते क्या हैं, है ना, पहली चीज़ तो ये समझ में आप लोगों को बात, पहली चीज़ तो क्या कि सुपर हैवी एलिमेंट होते क्या हैं, है ना, उसके बाद में उन्हें सुपर हैवी एलिमेंट जो एलिमेंट है किन एलिमेंटों को कहा जाता है वो, उसके बाद में उनका नाम, उनकी अकरेंस वो सब पढ़ लेते हैं, सिंबल किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखो क्या नॉर्मली क्या है, एट ए प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में है, 118, ठीक है, अब तो और भी खोज हो गई है, 119 से 120 तक हो जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, इतने एलिमेंट हैं। नॉर्मली क्या था कि जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में था, है ना, 3 डिजिट का मतलब क्या है, 100 के बाद वाले, ठीक है, वो उनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा, ठीक है, एटॉमिक नंबर उनकी ज़्यादा, इस कारण उन एलिमेंटों को सुपर हैवी एलिमेंट कहा जाता था, किसका, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो,
नॉर्मली 100 से ज़्यादा हो। क्लियर क्या मेरी बात है? ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर न्यूक्लियस होता है, कोई भी एलिमेंट होता है,